अतुल सुहास से पूछता है, तू इतनी सारी पेपर कटिंग का क्या करेगा? सुहास मनाला, अरे वर्तमान पत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोळी, पशु पक्ष्यांची माहिती येते, ती मी कापून वहीत चिटकवतो, मॅडमनं सांगितलेले प्रकल्प पूर्ण होतो. सुहास अतुल को बताता है कि वर्तमान पत्र में यानी कि अखबार में अच्छी अच्छी नज़में, तस्वीरी कहानियाँ, पज़ल्स, चरिंद परिंद की मालूमात आती है. इसे मैं काट कर अपनी बयाज में चिपकाता हूँ. मैडम का कहा गया प्रकल्प यानी कि प्रोजेक्ट पूरा होता है. अतुल मनाला, अरे वाह चानच. ये सुनकर अतुल कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है. सुहास मनाला, अरे एवढेच नाही, काही वेळा रद्दीमध्ये कवितांची, गोष्टींची चांगली पुस्तकं येतात, ती मी बाजूला काढून ठेवतो. सुहास अतुल को बताता है, सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी रद्दी में कहानियों की और नज़मों की अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उसे मैं बाजू में निकाल लेता हूँ. अतुल मनाला, त्या पुस्तकांचा तू काय करतोस? अतुल सुहास से पूछता है कि तू उन किताबों का फिर क्या करता है? सुहास मनाला, त्यांचा मी एक वाचनालय तैयार केला आहे, चल माझ्या घरी मी तुला दाखवतो. अतुल सुहास को बताता है कि उन किताबों को जमा कर कर मैंने एक लाइब्रेरी तैयार की है, चल मेरे घर मैं तुझे दिखाता हूँ. ते दोघे सुहासच्या घरी येतात, त्याच वेळी मीनाही तिथे येते. वो दोनों सुहास के घर जाते हैं, उसी वक्त उनकी एक दोस्त मीना भी वहाँ पहुँचती है.